So what's up guys, welcome back to Stay Tuned Gaming and you are tuned with another video of Call of Duty Modern Warfare 2. So let's get started. एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और एंड तक देखिए वीडियो। सो अभी हमें इस लेवल में मैक्रोव को पकड़ना है। हमें कैप्टन प्रिंस प्राइस एंड सूप बता रहे हैं कि क्या करना है एंड जनरल शेफर्ड अभी ये बता रहे हैं कि हमने गल्गो और में कैप्टन प्रिंस को बचाया था और वगैरह 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 एंड ऑल राइट। ये कह रहे हैं कि मैक्रोव की बस ये इकलौती इंफॉर्मेशन रह गई है इस अर्थ पे एंड हमें अगर आपको नहीं पता मैक्रोव कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैक्रोव वो पर्सन है जिसने नो रशियन लेवल में एयरपोर्ट पे रशिया के मॉस्को के काफ़ी लोगों का मर्डर कर दिया था और उसमें उसने हमें भी शामिल कर लिया था और एट द एंड हमें उसने किल कर दिया था। उस बात का हमें अफसोस है और अब हमें उससे बदला लेना है। मेरी स्क्वाड आ चुकी है और हमारे साथ हैं घोस्ट सबसे बेस्ट एजेंट्स में से एक है अपनी टास्क फोर्स 141 के। सो गेम हो चुकी है स्टार्ट। अभी हमें 170 मीटर दूर जाना है एंड अपनी स्क्वाड भी लैंड माइंस ओके प्रोन कर लेते हैं। लैंड माइंस से यही एक तरीका है जिससे बच सकते हैं। नेड कर देते हैं, सामने बहुत सारे लोग हैं, एक हाथ तो जाएगा ही जाएगा। ओनो हमें ग्रेनेड से काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, हमें कवर लेना पड़ेगा। मेरे को लगता है ऊपर है वो। ऑल राइट, काफ़ी ओपी। गाइज अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत ही ओपी फाइट सीन्स होने वाले हैं इस लेवल में एंड एंड में तो बहुत तबाही हो जाती है। ऑल राइट, हमें इस लेवल में ये भी पता करना है कि मैक्रोव जो भी है उसका नाम, मैं गलत प्रनाउंस कर रहा हूँगा तो सॉरी, उसका ये भी पता करना है कि उसकी इतनी हेल्प कौन कर रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है एंड हाँ घोस्टी है। यहाँ से क्लियर हो चुका है रास्ता, स्मोक हट चुकी है। अब आगे देखते हैं कि कोई आता नहीं रहा, नहीं सेफ है, नहीं आ गया। ऑल राइट, काफ़ी अच्छा इसको शॉट पड़ा। गाइस हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं है कि स्मोक में से कब कौन बाहर आ जाए। ओके नाउ वी आर सेफ। हमारा टारगेट 80 मीटर दूर है, सामने से कार जा रही है, उनको ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं हो रही गाइस, अब देखना आप। 3 2 1 ओपी था ना, लाइक कर दीजिए एंड ये भी। ओके अभी हमें ब्रीच करना है, लॉन्चर बना लेते हैं। ओ सामने से अचानक से आगे प्लेयर्स एनिमीज, हमें कोई आइडिया नहीं था एंड गए सारे। अभी हमें थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा, हम डैमेज दें, रिलोड कर लेते हैं। ओके सारे ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी ओपी, मेरी स्क्वाड काफ़ी अच्छी हो। कौन है। ऑल राइट, काफ़ी अच्छा शॉट पड़ा उसको एंड यहाँ पे भी होंगे। ओ नो, काफ़ी डैमेज दे चुके हैं हम। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गंदा खेला पर कोई बात नहीं, लाइक कर दो एंड अभी अंदर प्लेयर होगा, काफ़ी बढ़िया। P90 ले लेते हैं ये पिस्टल बदल के एंड अभी हमें ऊपर ब्रीच करना है। पहले शॉटगन लेते हैं, शॉटगन इज बेटर देन P90 इन क्लोव रेंज। रिलोड कर लो, सामने से आ गया।
मेरे को विंडो टूटने की आ गई थी। ओके गाइस, अभी अब ट्यून रही है क्योंकि अभी बहुत ही ओपी फाइट सीन होने वाला है। अभी नहीं, शायद 2 मिनट बाद में। वैसे तो पूरी वीडियो में ही बहुत ही अच्छे सीन्स हैं, एंड अगर आप एंड तक देखते हैं, ऑल राइट अभी पहले मार देते हैं इनको। एंड ये गया, पट से है शॉट, बहुत ही ओपी। अब कोई दिख नहीं रहा, फायर कर दो ऐसी, शायद है इसमें भी। आई सेड इस बेचारे को फालतू में पड़ गई, ऐसी दौड़ के आ रहा था हमारे ऊपर, रश मार रहा है अकेले। नहीं, इसका स्कोप अच्छा नहीं है, ये SOG स्कोप है। अभी ओके, इसने यहाँ पे ढेरी कर दिया सभी, काफी नाइस घूस्ट। लेकिन MVP तो मैं ही हूँ गाइस, मेरे को कंफर्म है। यहाँ पे ब्रीच करने, ओके यहाँ पे मैंने फालतू में स्कोप ऑन किया था, लेकिन बेचारी का बैड लक। एंड शॉटगन ले लेते हैं, शॉटगन से इजी होता है, सामने है। जितनी बुलेट्स फायर होंगी मैं उतनी कर दूंगा, मेरे को देखना है। वो अभी भी जिंदा है, चलो बेचारी। ओ M1887 पड़ी है गाइस, फ्री फायर में वन ऑफ द बेस्ट गन्स आफ्टर MA2B। MA2B मेरी फेवरेट है। एंड पट से है शॉट, अरे यार इसका रिलोड भी आ गया। पट से है शॉट, इसको भी एक ही गोलियों में ख़त्म कर दिया। गैस मैं आपको ब्रीच के बारे में इंफॉर्मेशन देना तो भूल ही गया। ब्रीच में क्या होता है, हम किसी वुडन डोर को या फिर किसी और चीज़ को, दीवार को तोड़ते हैं, तो फिर किल करना इजी हो, तो इसके लिए ये गेम स्लो मोशन में हो जाती है। तो आप ये मत समझिए ये क्या हो रहा है। एंड गन्स देखो कितनी बड़ी, लैंडमाइन लगा देते हैं हम, क्योंकि कहीं से भी प्लेयर आ सकते हैं तो हम चांस नहीं ले सकते। बाद में इसको एक्टिवेट कर देंगे। ओके अभी जनरल शेफर्ड से हम बात कर रहे हैं। ओके हमें मैक्रोव की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में से लेनी है। ओके वर्किंग नेटवर्क फाउंड, एंड ओके जनरल शेफर्ड कह रहे हैं कि वो मैक्रोव को वहाँ से पकड़ेंगे और हमें बस इंफॉर्मेशन लेके आनी है उसकी। अभी तो गाइस काफ़ी टाइम लगेगा, 43 मिनट, इतना फालतू का टाइम थोड़ा ना है। ओके इन्होंने कह दिया है कि एयर उनकी फोर्स आ रही है, एनिमी फोर्स, एनिमी ट्रूप्स 15 सेकंड में आ जाएंगे, वो ऐसा कहते, मेरे को नहीं पता। गाइस मेरे को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आने लग चुकी है, यानी और फायर भी हो चुका है, तो यानी आते ही होंगे वो। ओके गेम सेव हो चुकी है, तो आउट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देख के खेलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी इसको कॉपी होने में फाइल को। जल्दी हो जा, किसका वेट है तेरे को, फाइल कॉपी हो जा। गाइज ये होता है नतीजा गंदा जियो का सिम लेने का। अब मैं गाइज ओपी फाइट सीन होने वाले, तो मैं बैकग्राउंड में कुछ नहीं बोलूंगा, म्यूजिक लगा देता हूँ, आप इंजॉय कीजिए। Thank you.
सो गाइस आपको कि ये क्लिप अच्छी लगी होगी एंड एंडिंग थोड़ी सी बेकार थी लेकिन चलता है, ओपी फाइट सीन हुए एंड अभी हमें रन करना होगा क्योंकि हम इतने लोगों का फेस ऑफ नहीं कर सकते। अभी हमें 150 मीटर्स दूर जाना है, काफ़ी लंबा सफ़र है, हमें बहुत डैमेज पड़ चुकी है, ध्यान से जाना पड़ेगा। लॉन्चर बना रहे थे कोई भी, ओ गाइस इतने प्लेयर्स, साइड से जाना पड़ेगा कवर ले लेके। एक्चुअली ये लेवल मैंने पहले खेला हुआ है तो मेरे को पता है कि अभी क्या होगा। गाइस अभी हम अलाइव हैं, टेंशन मत लो, गोस्ट हमें बचा लेगा एंड गोस्ट मेरा हमेशा से फेवरेट कैरेक्टर है इसीलिए। एंड एक ही पे स्कोप अच्छा नहीं है, नहीं तो काफ़ी अच्छी चल रही है। लॉन्चर बना लेते हैं यार इसका, ऑल राइट अपनी आ चुकी है एयरफोर्स एंड अब हम जाने वाले हैं घर। सो गाइस कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब भी हम पहुंचने वाले हैं अपने घर पे। ऑल राइट थैंक्स गोस्ट गाइस। अभी ये है जनरल शेपर्ड, अगर आप इनसे पहले नहीं मिले हो तो अब मिल लीजिए, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं। सारा प्लान इन्हीं का था आज, नज़र लगा दी शायद, ओ नो, हाँ दसा हो गया गाइस। ये तो ज़्यादा ही गलत किया इसने, इस पर बहुत विश्वास था मेरे को, बट ये तो उतना ही पुट्ठा इंसान निकला, अफसोस की बात है। ओके ये हमें झूला झूला रहे थे, गोस्ट को भी ज़्यादा जोर से फेंक दिया शायद। सो गाइस इसके आगे क्या होगा मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो 18 प्लस कंटेंट है। सो तब तक के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और स्टे ट्यून्ड।